सत श्री अकाल जी, पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसी देख रहे हो। मैं हाँ थोड़े नाल परमवीर सिंह औलख ते लैके हाजिर हाँ गुड मॉर्निंग पंछा। सब तो पहला गल करांगे कांग्रेस के अंदरूनी कलेश की। प्रगट सिंह विधायक कांग्रेसी जिन्हां नूं धमकी मिलती है फोन के उत्ते कैप्टन संदीप संधु का नाम लगता है कि मुख्यमंत्री के OST वालों जो धमकी दी गई है उस हुण सियासी प्रतिक्रम सामने आने शुरू हो गए ने। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान सुनील जाखड़ ने कहा कि पार्टी के आगुओं खिलाफ विजिलेंस जांच की गल कोरी अफवाह है और जमीनी पद्धर से इस विच कोई सच्चाई नहीं। उन्होंने पार्टी के विधायक प्रगट सिंह नौजवानों का आदर्श दसदिया कहा कि पार्टी उन्हों का पूरा सम्मान करती है। उन्होंने कहा कि इस समय पार्टी का मुख एजेंडा लोगों को कोविड तो बचाना बेअदबी दी घटनावां ते दोषियों को सज़ा दवाना है। सुनील जाखड़ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कदे भी बदले की राजनीति नहीं करती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का असूल रहा है कि इस संविधानक अदारियां का अपने निजी हितों लई इस्तेमाल नहीं करती है। अपने विधायक खिलाफ अजिहा करन दा तां सोचिया भी नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि असल विच इन्हां अफवाहों विच कोई सच्चाई नहीं है क्योंकि कैप्टन संदीप संधु ने तो आप स्पष्ट कर दिता है कि उन्होंने प्रगट सिंह नूं कोई फोन नहीं किया। सूबा कांग्रेस प्रधान ने कहा है कि अजिहे विच ओह मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं अपील करते हैं कि पार्टी के अक्स नूं ढाल लाउण वालियां खिलाफ अजिहियां कार्रवाइयां की जांच होवे। अमृतसर पुलिस ने साहिल नां दे एक मुलजम नूं गिरफ्तार किया है जिस तों 5 पिस्तौल बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तुहानूं दस दईए कि साहिल दे दूजे साथियों नूं गिरफ्तार करने लई पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी है। ACP देवदत्त ने दस्सिया कि कई मामलों विच मोस्ट वॉन्टेड इस बदमाश नूं गुप्त सूचना के आधार से नाकेबंदी करके गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जांच विच सामने आया कि साहिल ते कुल 13 मामले दर्ज ने जिन्हां विच 5 मामलों विच गिरफ्तारी जो है उसकी नहीं हुई सी। ते पंजाब कांग्रेस बयानबाजियां दे दौर दे विचाले कांग्रेसी विधायक राजा वड़िंग दा एक ट्वीट सामने आया। उन्होंने लिखा कि सियाने कहिंदे ने कि घर दे मसले घर च बह के ही हल करने चाहिए ने। यह ट्वीट उदों आया जदों एक पासे नवजोत सिंह सिद्धू नाराज चल रहे ने ते एक पासे चरणजीत सिंह चन्नी ते सुखजिंदर सिंह रंधावा ते हुण प्रगट सिंह ने वड्डे इल्जाम लगा दिते ने। किते ना किते काटो कलेश जो है जग जाहर हुंदा दिखाई दे रहा है। शरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्जाम लगाया गया है प्रगट सिंह वालों ते हुण राजा वड़िंग ने इस नूं घर च बह के ही हल करन दी सलाह दित्ती है। मोबाइल दी घंटी ते फिर कैप्टन वालों कांग्रेसी विधायक प्रगट सिंह नूं ठोकर वाली धमकी। जी हाँ, पंजाब की सियासत में वड्डा भूचाल उस वेले लैके आई जदों सिद्धू खेमे के विधायक और सबका हाकी कप्तान प्रगट सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के OSD कैप्टन संदीप संधु से फोन करके धमकी देने के इल्जाम तक लगा दिते। कैप्टन संदीप संधु ने रात को वीरवार को फोन करके धमकी दी कि तेरे कागज असी इकट्ठे कर ले आ ते तेनू असी ठोकना ते मैं भी जो पंजाबी कह सकता सी मैं कहता और मैं इस गल लई पूरा तैयार हाँ। जे सच बोलन लई जे ये सज़ा देनी चाहते हैं तो जिदा की मर्जी दे देन बिल्कुल। जदों एक फोन कॉल ते मैं बैठा जदों कहणगे उदों चले जाऊँगा। मैं तो नवजोत सिद्धू नूं भी यही कहना भी आ जा हुण बाहर निकलण दा समां आ। इन्हां लोकां ने बेसिकली बिल्कुल बर्बादी ते लै आंदा सारे रले हुए आ चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी ने फाइल एक बार फिर तो खोल दी है। सरकार तो मामले च स्पष्टीकरण मंगिया गया ना ही स्पष्टीकरण ना मिलने की सूरत भुख हड़ताल उत्ते बैठन की चेतावनी महिला कमिशन दी चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी ने दी है। कमिशन कदे भी फाइला खोल सकता है, 10 साल बाद भी फाइल खोल सकता है। कमिशन को लेनी पावर है, कोर्ट को लेनी पावर है। मैं तलब ते ता करांगी ना, सरकार क्यों नहीं देगी? सरकार देगी, सरकार दा फर्ज बनता है। सरकार नु कमिशन दी ताकत दा मैं कोर्ट चली जांगी, इना दी हाई कमान कोल चली जांगी। पहली गल तो मैं भूख हड़ताल ते बैठ जांगी। वड्डी चर्चा कांग्रेस अंदर है। प्रगट सिंह नु मिली चुप रहने दी धमकी ते राज्यसभा मेंबर प्रताप सिंह बाजवा
इस मुद्दे ते निखेधी कर रहे ने। एक एमएलए नु थ्रेट किया जा सकता है, फिर एक साधारण पंजाबी दी इस सूबे दे विच किस तरह जिंदगी महफूज हो सकती है। बहुत माड़ी, मैं समझना इहदी टाइमिंग बहुत माड़ी है। कांग्रेस अंदर चल रहा कलेश 2022 तो पहला बाहर आना शुरू हो चुकया है। बीजेपी दे सीनियर आगू तरुण चुग ने कैप्टन अमरिंदर सिंह ते जम के निशाना साध्या। उन्हें कहा कि पटियाला सियासत दी रजवाड़ा शाही नाल ही पंजाब दी सरकार चल रही है। कैप्टन साहब, सरकार संविधान अनुसार चलती है, सिस्टम ना चलती। क्या है संविधान? है क्या है? लोकशाही है कि लोकतंत्र है? ये रजवाड़ा शाही है जिहदे च मंत्री विधायक डराए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ते श्रोमणी अकाली दल भी कांग्रेस विच चल रही पाटो धार ते तंज कस रहे ने। जदों लोग सैकड़े हजारां पंजाब च मर रहे ने ते उदों सरकार मंत्री कुर्सी दी लड़ाई। असीं सरकार नूं बेनती करदे आं कि कारवाई तुसीं एक दूजे दे की करोगे, कारवाई थोड़े दे पंजाब दे लोकां ने करनी। चुने हुए नुमाइंदे नूं अगर मुख्यमंत्री दे दफ्तर तों धमकियां मिलदियां, इह मैं समझदा विधायकां दी मिनिस्टरां दी प्रिविलेज दा इक बहुत वड्डा मसला। नवजोत सिद्धू दे साबका ओएसडी ते विजिलेंस ने छापा मारिया सी, जिसका नवजोत सिंह सिद्धू ने स्वागत भी किया सी। इस पूरे मुद्दे ते सुनील कुमार जाखड़ का बयान आया कि पार्टी आगुओं खिलाफ विजिलेंस जांच कोरी अफवाह है। पार्टी का एजेंडा सिर्फ कोरोना के मद्देनजर लोगों को बचाना और बेअदबी के गुनाहगार को सजा दवाना है। नाल ही जाखड़ ने मुख्यमंत्री को बेबुनियाद अफवाह फैलाउण वाले की जांच करने भी कहा है। 2022 दी चोणां तो पहला कांग्रेस विच खाना जंगी तेज हो रही है। विरोधी कुर्सी की लड़ाई दस की कांग्रेस को मेहने मार रहे ने। कांग्रेसी विधायक ते मंत्री इस लड़ाई को पंजाब की जमीर की दस के अपने ही सीएम ते सवाल चुक रहे ने, पर इन्हां कार्रवाइयों तो बाद वड्डे पद्धर ते बयानबाजियां शुरू हो चुकियां ने। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ते विधायक प्रगट सिंह वालों सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों चुप रहन दी दित्ती धमकी ते राज्यसभा मेंबर प्रताप सिंह बाजवा ने निखेधी की है। जी मीडिया नाल खास गलबात दौरान प्रताप सिंह बाजवा ने इस दी निखेधी की। किसी आदमी ने तुहाडे कहन ते एक किसी नूं थ्रेट कीता, जे थ्रैट किया तो फिर अगली कार्रवाई असी फिर वेखांगे की हुंदी है। जे एक एमएलए नूं थ्रैट किया जा सकदा, फिर एक साधारण पंजाबी दी इस सूबे दे विच किस तरह जिंदगी महफूज हो सकती। नंबर वन। नंबर टू, मैं समझना कि जे ये काम किया गया ये बड़ा इल एडवाइज्ड है, ये बहुत माड़ी, मैं समझना इहदी टाइमिंग बहुत माड़ी है। तो पंजाब कांग्रेस ते पंजाब प्रति इहदा बड़ा कलैटरल डैमेज करन वाली गल, बहुत माड़ी गल है। पहली गल तो असी कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहे हैं, इस टाइम सरकार का सारा ध्यान अपने लोगों को बचाने वास्ते होना चाहिए। जिते हॉस्पिटल के विच बैड अवेलेबल नहीं, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं, कॉन्सनट्रेटर अवेलेबल नहीं, किट्स अवेलेबल नहीं, दवाइया अवेलेबल नहीं, टीके अवेलेबल नहीं, उत्थे असी कभी कोई फाइलां विजिलेंस वाले सा नवजोत सिंह सिद्धू दियां जां उहदे कोलीग्स दियां खोलण दी गल करदे ने, कदी सा प्रगट सिंह नूं थ्रैटन करन दी कोशिश करदे ने। इह मैं समझना जे पहली गल ते टाइम नहीं सी इस गल, जे जरूर खिलाणियां ही सी ते प्रकाश सिंह बादल हुणां दे 10 साल दी जिहड़ा असी पंजाब दे लोकां नूं वादा कीता सी कि जो लुट खसोटे इहनां ने ओमिशन एंड कमीशन कीतियां उहदा तां करना चाहीदा। आज जिहड़े एक्शन ले जा रहे ने की कोई किसी तरीके दे हड़बड़ाहट दा नतीजा है? 110% जे ते इह काम होया जिस तरह सा प्रगट सिंह कहिंदे ने, मेरे को शब्द नहीं हैं जिन्हां नाल मैं कंडेम करा। तो मैं ये चाहवांगा कि जे किसी ने किया सब प्रगट सिंह नूं बकायदा तौर पुलिस कंप्लेंट भी करनी चाहिए ते उत्ते कार्रवाई होनी चाहिए। ये वक्त सीगा लोगों की जान बचाई जाए, लेकिन यहो जे टाइम ते यहो जी जिहड़े समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, इहदे पिछे तुहानूं कारण की लगता, मोटिव की लगता, थिंकिंग सरकार की है? आपां छड्डीए थिंकिंग की है कि जो भी थिंकिंग है माड़ी थिंकिंग है, रिग्रेसिव थिंकिंग है, प्रोग्रेसिव नहीं है, रिग्रेसिव है, पिछा खिंचण वाली। ये तो पुराने वक्त आचो 200-300 साल पुरानियां गल्लां, जदों कोई राजे महाराजे इत्थे राज करदे हुंदे सी उदों इस किस्म दियां गल्लां चलदियां सी। डेमोक्रेसी दे विच लोक राज दे विच तुहाडे सियासी विरोधी भी हुंदे, पार्टियां दे विच भी बहुत सारे लोग ने जिहड़े तुहाडी पॉलिसीज़ नाल तुहाडे प्रोग्राम्स नाल नहीं सहमत,
ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਧਮਕਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰੋ ਤੇ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੌਨਸੀਕਵੈਂਸਿਸ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣੇ ਪੈਣ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਫਾਈਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁਲਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੂਮੈਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆਈਐਸ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਂਕਿ 3 ਸਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੂਮੈਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਐਸ ਲੋਬੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਤੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖੋਲ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਕੀ ਕੁਝ ਉਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਦੇ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਾਈਲ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਫਾਈਲਾਂ 'ਚ ਯਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ 2018 'ਚ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਫੀਸਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਵਨ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰੇ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ 2 ਆਫੀਸਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਆਫੀਸਰ ਸੀ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਹਮਾਰੀ ਲੋਬੀ ਕੇ ਲੀਏ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੇ ਤੋ ਆਪ ਵੁਮੈਨਸ ਕੇ ਸਾਥ ਵੀ ਐਸੇ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਕਰਤੇ ਹੋਗੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਇਹ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਟਰ ਔਰ 5-6 ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲੈਂਡਲਾਈਨ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਫੀਸਰ ਬਣੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੁਮੈਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆਫੀਸਰ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਏਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੇਡੀ ਆਫੀਸਰ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਆਫੀਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਲਿੱਤਾ ਹੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ 3 ਸਾਲ ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਲਬ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੀ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਚਲੀ ਜਾਂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਂਗੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਗੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇਈ ਹੈ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਦੇਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਹੁਣ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਊ ਮੋਟੋ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਵੁਮੈਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅੰਕੁਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼ ਬ੍ਰੀਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੂਲ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ SHO ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ SHO ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਤੇ ਥਾਣਾ ਜੋਧੇਵਾਲ ਦੇ SHO ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ SHO ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਥਾਣਾ ਜੋਧੇਵਾਲ ਦੇ SHO ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ SHO ਤੇ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲਲਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ 2018 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ
उन्होंने कहा कि 2018 सवाल पूछे थे उन्होंने जवाब 2021 भी नहीं आया, यानी कि 3-4 साल बीतने के बावजूद भी जवाब क्यों नहीं तुसी दिता। सिद्धू वालों श्रोमणी अकाली दल और डेरे की सियासी गणतुप का जिक्र किया गया। 2017 च डेरा साहब को सियासी लाहा लैन लई वरत्या गया है, यह कहना है नवजोत सिंह सिद्धू का, वड्डे इल्जाम लगाए गए ने। यह क्यों होया, यह की डेरा प्रेम है या वोटां दे लई गोड्यां च बैठे हो कि तुसी तनखैया डिकलेयर किए हुए बंदे दे गोड्यां च बैठे हो कि तुसी उस अकाल तख्त जी का आदि अनंत जी तो उत्ते कोई नहीं उहदा हुक्म नहीं मनते कि उहदे हुक्मनामे दे खिलाफ हो तुसी, ते दसो भी तुसी कैंसलेशन क्यों मंगी, दसो भी 2007 तो लैके 2014 तक तुसी चार्जशीट क्यों नहीं फ्रेम की, दसो कि थोड़ी पुलिस ने जाके उत्थे क्यों कहा कि इत्थे ते जी गवाही नहीं सी, ते गवाह कहिंदा। तो फरीदकोट च बेदबी मामलों को लेकर बनी SIT ने एक नोटिस जारी किया है जिस विच जनता को अपील की गई है कि जेकर किसी नूं इस मामले च कोई जानकारी है या कोई सबूत है तो वह साडे नाल सांझे जरूर करन। उन्होंने एक मोबाइल नंबर अते एक वट्सएप नंबर भी जारी किया है जिस ते लोग इस जानकारी जो है सांझी कर सकते हैं। जानकारी देने वाले का जो पता है वह गुप्त रखा जाएगा। इस नोटिस विच SIT दे मुखी IG परमार यानी कि SPS परमार, सुरेंद्र पाल सिंह परमार, AIG रजिंदर सिंह जौल अते इंस्पैक्टर दलबीर सिंह दा मोबाइल नंबर दिता गया। तो बरगाड़ी बेदबी मामले च SIT वालों वड्डी कार्रवाई सामने आई है। 6 डेरा प्रेमियों नूं कोर्ट च पेश कर 4 दिन का रिमांड हासिल किया गया है। 21 मई नूं मुड़ कोर्ट च पेश किया जाएगा। तुहानू दस दिए कि FIR नंबर 117/2015 तहत यह जो है गिरफ्तारी की गई है, यानी कि जो 2015 FIR दर्ज की सी उस मामले को लैके एक बार फिर कोर्ट च पेश करके इन्हों का रिमांड हासिल किया गया। तो नाम तुहानू दिखा दें ग्राफिक्स जरिए, ये नाम ने जिन्हां 6 डेरा प्रेमियों नूं गिरफ्तार किया गया है, बलजीत सिंह, निशान सिंह, प्रदीप सिंह, इस दे नाल ही सुखजिंदर सिंह सनी, शक्ति सिंह, रणजीत सिंह, जिन्हां नूं 2015 बेदबी मामलों के गिरफ्तार किया गया सीगा पर फिर तो छड्ड दिता गया सीगा। अगली खबर का रुख करते हैं। जहेदार बलजीत सिंह दादूवाल ने डेरा प्रेमियों की गिरफ्तारी से सवाल चुके ने। उन्होंने कहा है कि गिरफ्तारियों का यह खेड सिर्फ दिखावे लई कीता जा रहा है, जबकि बेदबी के मामले ते इंसाफ दवाउण दी सरकार दी जिम्मेवारी सीगी। दादूवाल ने कहा कि नवी SIT जिहड़े अधिकारी शामिल ने उन्हां दी काबिलियत ते कोई शक नहीं है, पर बेदबी मामले की जांच निरपक्ष तरीके नाल करनी चाहीदी है ते ना जो सिख संगत है उन्हां नूं इंसाफ मिल सके। यह जो ऐलान है, यह जो अपील है, यह बलजीत सिंह दादूवाल वालों की गई है। सरकार दी नीयत ते सवाल खड़े हुंदे आ कि सरकार उस जांच नूं अंजाम तक पहुँचाना चाहती है कि नहीं, जिस तरीके नाल पहला होया कि इस तरीके दे नाल ही जिहड़ा है केवल अथरू पूंजन के यतन ना किए जाण ते कैप्टन अमरिंदर सिंह मगरमस के हंझू बहाउण वाली गल ना की जाए। सानू इहदे च इंसाफ चाहीदा, उन्हां नूं जां तां सीधे हो के जिहड़ा बरगाड़ी ते बहबल कलां गोलीकांड दा इंसाफ लैणा चाहीदा, उन्हां नूं पूरा दबाव प्रेशर बिल्ड करना चाहिदा कैप्टन अमरिंदर सिंह ते, नहीं तां उन्हां नूं अस्तीफे दे के बाहर हो जाना चाहिदा कि इहो जी सरकार च रह के करना की है जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब दी बेअदबी दा इंसाफ नहीं कर सकदे। ते BJP दे सीनियर आगू तरुण चुग ने कैप्टन अमरिंदर सिंह ते जम के निशाने साधे ने। उन्होंने कहा कि पटियाला सियासत दी रजवाड़ा शाही नाल ही पंजाब दी सरकार चलाई जा रही है। चुग ने कहा कि पंजाब सरकार हर फ्रंट ते फेल साबित हुई है, कैप्टन सरकार ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिता सूबे वल, सूबे की कानून व्यवस्था जो है भंग हो चुकी है। उन्होंने कहा कि विधायकों ते मंत्रियों ते नेतावां नूं हुण डराउण की कोशिश की जा रही है। कैप्टन साहब, सरकार संविधान अनुसार चलती है, सिस्टम ना चलती, क्या है संविधान है, क्या है लोकशाही है, क्या लोकतंत्र है, ये रजवाड़ा शाही है जिहदे च मंत्री विधायक डराए जा रहे हैं, आम आदमी का की हाल होएगा, पोलीटिकल लीडर्स को धमकाया जा रहा है।
कैप्टन साहब नूं खुद जवाब देना चाहिए कि उन्होंने ऑफिस दे विचों किस तरह धमकी वाला फोन उन्हों का ओएसडी कर रहा है, विजिलेंस रेड की गल कर रहा है। पंजाब जिस पासे कैप्टन साहब असीं तोड़ रहे हैं, एक पंजाब दे काले दिनों की वापसी वाल तोड़ रहे हैं। ते हुण गल करदे आ करोना दी। हुण प्लाज्मा थैरेपी नाल होवेगा करोना दा इलाज। तुहानू दस दईए कि करोना दे इलाज लई नवीं गाइडलाइन जारी कर दित्तियां गईआं ने। करोना ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल तो प्लाज्मा थैरेपी हटाई गई है। सेहत मंत्रालय वालों नवीं गाइडलाइन जारी कीतियां गईआं ने। ते सूबे दे विच की हालात ने करोना दे, वह भी तुहानू दस दिंदे आ। पंजाब च करोना जो कहर है वह लगातार वधदा ही जा रहा। 24 घंटे अंदर सूबे च 6,947 नवे मामले सामने आ चुके ने। इस तों इलावा 24 घंटे अंदर 194 मौतां दर्ज कीतियां गईआं ने ते 8,552 मरीज़ ठीक होए ने। करोना दे कुल मामलों दे अंकड़ियां दी गल कीती जावे तां 5 लाख तों पार पहुँच चुके। तो करोना नूं लैके चंडीगढ़ च भी पाबंदियां दी म्याद जो है वधा दित्ती गई है। 25 मई सवेरे 5 बजे तक यह जारी रहणगियां पाबंदियां। पहलां वांग जारी रहेगा नाइट करफ्यू। वीपी सिंह बदनौर वालों हाई लैवल मीटिंग तो बाद एक वड्डा फैसला लिया गया। तो सीएम कैप्टन ने जीएमसी पटियाला दे डॉक्टर सीबिया नाल वीडियो कॉल से गलबात की है, जो कि 400 के करीब कोविड मरीजों के निगरानी करन वाले माहरां चो एक ने। वीडियो कॉल दौरान डॉक्टर ने दस्या कि ज़्यादातर मरीज़ लैवल 3 दे ने, जिन्हां नूं वध देखभाल की लोड़ है। गुड इवनिंग, हाउ आर यू डॉक्टर साहब? आई एम सॉरी, यू आर वेरी ओवरवर्क नाउ। नहीं नहीं सर, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन फाइन सर। की हाल है? किन्ने किन्ने पेशेंट्स हैं तुहाडे कोल? And are they in the level 3 types or what are they? Yeah, the majority of them are level 3 and we are also having about 60 to 70 patients over and above them who are post-COVID also, sir. I see. Who are also sick, requiring oxygen, sir. No, post-COVID, also post-COVID you need oxygen? Yes, sir. Very many patients, they require, sir, ICU care, oxygen therapy. Even, sir, some of our patients are here for 2-2 months after discharge, sir. And they come back? नहीं सर, जब 11th या 12th टेस्ट कराने पेशेंट नेगेटिव हो जाता है, then we take him to the clean area. Although he requires oxygen or ICU care, so they remain over there for about 10 days, 15 days, and few of them have also lasted 2 months sir in the clean area sir. They do require oxygen care, treatment, everything sir. Well, Dr. Sabha, you are all doing a great job. Anything I can do to help? Thank you, sir. So all the encouragement from you we need, sir. No, any medicines you require? Have you got everything that you need? Yes, sir. We have, sir. Kare, doctor sahab, kare load pave kisi gal di, please mainu tusi ring kar dena. This number, is number te kar dena, sir. Please, sir. ते कोविड 19 महामारी दौरान मरीजों की मजबूरी का फायदा चुक ओह जो आर्थिक लुट कर रहे हैं हस्पताल, उन्होंने खिलाफ़ सख्त कार्रवाई के निर्देश आ चुके हैं। तुहानू दस दिए कि यह चेतावनी पंजाब के सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू वालों दी गई है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट हस्पतालों वालों सरकार वालों तय रेटा तो वध पैसे वसूलन की कोई शिकायत आ रही ने सामने, अजिहा करने वाले किसी भी हस्पताल को बख्शा नहीं जाएगा। महामारी एक्ट के अधीन सरकार के कोल यह अधिकार है कि अजिहा करने वाले खिलाफ जो हस्पताल है उसनू बंद भी किया जा सकता है, जां फिर अपने अधीन लैके चला सकती है। उन्होंने सरकारी जो प्राइवेट हस्पताल ने जिन्हें भी ने उन्होंने अपील की है भी किसी भी मरीज की मजबूरी का फायदा ना चुकया जाए और इसनू एक चेतावनी वजो भी समझा जाए तो सरकार नू कोई सख्त कार्रवाई करने लई मजबूर ना किया जाए। तुहानू दस दईए कि प्राइवेट हस्पतालों की जो कालाबाजारी सामने आ रही है, जो धक्केशाही सामने आ रही है, उस पर पंजाब के जो सेहत मंत्री ने वो किते ना किते सख्त होंदे दिखाई दे रहे हैं।
महामारी के इस चुनौतीपूर्ण समय में पंजाब लई एक राहत भरी खबर सामने आई है। पंजाब सरकार दीयां कोशिशां नूं बूर पिया है। देश के वख-वख हिस्सों तो हवाई रस्ते राही ऑक्सीजन सप्लाई मिलनी शुरू हुई है। भारतीय हवाई फौज के सहयोग नाल हुण तक 30 उड़ाना जरिए कुल 804.26 मीट्रिक जो ऑक्सीजन है मैडिकल ऑक्सीजन प्राप्त करने में कामयाब हासिल हुई है। लंबी दूरी होने करके सूबे नूं अपना ऑक्सीजन कोटा बोकारो अते हजीरा तो ट्रकां राही ऑक्सीजन लियाउण लिजाण अक्सर काफ़ी समा लग जांदा है। इसलिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगवाई वाली सूबा सरकार ने नवे ढंग तरीके विचारन का फैसला लिया। ते पंजाब दे फिलौर पहुंची पहली ऑक्सीजन की एक्सप्रैस। तुहानू दस दिए कि 40 मीट्रिक जो टन है मैडिकल ऑक्सीजन लैके बोकारो तो फिलौर पहुंची है ट्रेन। तस्वीर तुसी देख सकते हो ऑक्सीजन की उपलब्धता यकीनी बनाने लई कीती गई है शुरुआत। तो खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी है। तुसी देखते रहो जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। सत श्री अकाल।